ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की द्वितीय परीक्षा को आज हम देने जा रहे हैं। इसके 5 अभ्यास आपको हमने पढ़ा दिए हैं और कुल मिलाकर के 31 कक्षाएं पढ़ा दी हैं आपको, और अब इसकी 5 अभ्यास की आपको परीक्षा देनी है। प्रश्न पत्र आपके लिए यहां पर मैं तैयार करके प्रस्तुत कर रहा हूं, और ध्यान देंगे। सबसे पहले आप वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसके अंदर 2 प्रकार के प्रश्न हैं, एक ऑप्शनल प्रश्न है और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर आपको अपनी नोटबुक पर लिखना होगा। और 100 अंक का यह प्रश्न है, प्रश्न पत्र है। प्रत्येक 20 प्रश्न है इसके अंदर, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक रखे गए हैं, ठीक है। और फिर इस प्रश्न पत्र को हल करने के बाद आपको उत्तर पत्रिका प्रेषित कर दी जाएगी नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट डे। फिर आप उत्तर पत्रिका से मिलान करके जितने भी मार्क्स, जितने भी आपके सही हैं, उसमें 5 का गुणा करके अपने मार्क्स को जोड़ लीजिएगा और हमें व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा, हमको भी प्रसन्नता हो। चलिएगा, पहले वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और वीडियो आपके हाथ में है, जहां पर भी आप रोकना चाहें वहां क्लिक करके रोक लीजिएगा, और उसको जब चलाना चाहें तब चला लीजिए। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी द्वितीय परीक्षा पूर्णांकाः शतम्, ठीक है। सर्वे प्रश्नाः समाधेयः, इसका अर्थ है सभी प्रश्नों को हल करना है। इस बार ये आपको हिंदी में प्रश्न पत्र बना करके हम दे रहे हैं। अगली बार आपको जो परीक्षा, तृतीय परीक्षा होगी इसकी, वो संस्कृत के माध्यम से प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, ठीक है। प्रश्न 1, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कहते हैं कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है। नीचे आपके विकल्प दिए हैं, चयन कीजिएगा। क तृतीया, ख प्रथमा, ग द्वितीया, घ चतुर्थी, ठीक है। टिक कर लीजिएगा, जो आपने नोटबुक पर लिखा है तैयार नोटबुक पर करते जाइएगा। नंबर 2 प्रश्न, वाक्य में क्रिया का पुरुष किसके अनुसार होता है? क करण, ख कर्म, ग कर्ता, घ संप्रदान। किसके अनुसार होता है? करण के अनुसार, कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार, संप्रदान के अनुसार। प्रश्न 3, वाक्य के अंदर यदि प्रथम, मध्यम एवं उत्तम पुरुष के कर्ता एक साथ प्रयुक्त हों यहां पर हो बिंदी आई हो
तो क्रिया किस पुरुष के अनुसार होगी। ठीक है, यदि एक ही वाक्य के अंदर कर्ता है, वो प्रथम पुरुष का भी हो, मध्यम पुरुष का भी हो, उत्तम पुरुष का भी हो, तो उसकी क्रिया में कौन सा पुरुष आएगा, ये प्रश्न है। आगे आपको विकल्प दिए जा रहे हैं, देखिएगा, का प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, खा प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष, यहां पर मध्यम पुरुष और जोड़ लीजिएगा, गा मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, घा उत्तम पुरुष, इन चार में से एक चयन कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न चार, लट लकार किस काल के लिए प्रयोग होता है, लट लकार है वो किस काल के लिए प्रयोग होता है, भूतकाल, ख भविष्यकाल, भविष्यकाल का अर्थ होता है भविष्यत काल, ग भूतकाल और वर्तमान काल, घ वर्तमान काल, किसके लिए होता है, टिक लगाइएगा। प्रश्न पांच, भवत शब्द के साथ क्रिया किस पुरुष की होती है, क मध्यम पुरुष, ख उत्तम पुरुष, ग प्रथम पुरुष, ग तीनों पुरुष, मैं तीनों पुरुषों की क्रिया लगा सकते हैं, किसी एक की लगाते हैं, बताइएगा कौन सा सही। प्रश्न छह, तत्र का अर्थ होता है, तत्र जो है उस शब्द का अर्थ क्या होता है, का कहां, खा जहां, का वहां, घा कहीं भी, कौन सा अर्थ है, टिक कीजिएगा। प्रश्न सात, तव का अर्थ होता है, मैं तव का अर्थ क्या होता है, प्रश्नवाचक लगा दिया मैंने, का हम सब, आ वे सब, ग वे दोनों, घा तुम दोनों, क्या अर्थ होता है, बताइएगा। प्रश्न आठ, इदानीम का अर्थ होता है, इदानीम का क्या अर्थ होता है, का आज, खा कल, ग अभी, घा कभी, जानों बताइए कौन सा होता है। प्रश्न नौ, इतः का अर्थ होता है, का यहां से, ख यहां पर, ग वहां पर, घ कहां, चारों में से कौन सा अर्थ होता है, बताइएगा। प्रश्न दस, एव का अर्थ होता है, एव का अर्थ क्या होता है, का वही, ख यही, गा ही, घा सही, कौन सा अर्थ होता है, बताइएगा। ग्यारह प्रश्न, घ्रा धातु का अर्थ होता है, घ्रा धातु का क्या अर्थ होता है, का पीना, खा जाना, गा सूंघना, घा खाना, क्या अर्थ होता है, बताइए चारों में से, घ्रा धातु का, घ्रा धातु आप पढ़ाई है। चलिए प्रश्न बारह, गम धातु का अर्थ होता है, गम का क्या अर्थ होता है, का बैठना, खा पढ़ना, गा हंसना, घा जाना, कौन सा अर्थ होता है, टिक लगाइएगा। तेरह, क्री धातु का अर्थ होता है, क्री धातु का क्या अर्थ होता है, का चलना, खा बोलना, ग करना, घ आना, क्या अर्थ होता है, बताइएगा, लिखिएगा। प्रश्न चौदह,
री धातु का अर्थ होता है, हरी धातु का क्या अर्थ होता है? का मारना, खा दौड़ना, ग ले जाना, घ जीतना, क्या अर्थ होता है? प्रश्न 15, गिरना अर्थ के लिए कौन सी धातु है? अतः गिरना अर्थ के लिए हम कौन सी धातु का प्रयोग करें? ऑप्शन दिए जा रहे हैं, विकल्प दिए जा रहे हैं, क पठ, ख दृश्य, ग पत, घ स्मृ, कौन सी धातु का प्रयोग है बताइएगा। 16 प्रश्न, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? का तृतीया, खा द्वितीया, का प्रथमा, घा पंचमी, कौन सी विभक्ति होती है बताइए कर्म कारक में। 17 अब वैकल्पिक प्रश्न थे वो समाप्त हो गए, अब लिखने वाले हैं, अब आपको कॉपी पर लिखना होगा, मिलान आपको अगली उत्तर पत्रिका में कराएंगे, ठीक है, आंसर जो आंसर शीट दी जाएगी। 17 घ्रा धातु के लट लकार के तीनों पुरुषों तथा तीनों वचनों के रूप लिखो, ये लिखने हैं आपको, जो घ्रा धातु है उसका आपको लट लकार के तीनों वचनों और तीनों पुरुषों के रूप लिख रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। प्रश्न 18, राम शब्द के पूरे रूप लिखो, राम शब्द के रूप आपको पूरे लिखने हैं, ठीक है, 5 अंक का ये। प्रश्न 19, निम्न वाक्यों की संस्कृत बनाइए, निम्न वाक्य दे रहा हूं मैं, इनकी आपको संस्कृत लिखनी है, अनुवाद करना है संस्कृत में, ठीक है। का मैं पिता को नमस्कार करता हूं, है? लिख लीजिएगा, मैं पिता को नमस्कार करता हूं। दोखा, नव बालक संस्कृत पढ़ रहे हैं, नौ माने 9, नौ बालक संस्कृत पढ़ रहे हैं। गा, मैं और रमा विद्यालय जाते हैं। घा, आप कहाँ संस्कृत पढ़ती हैं? ना, तुम फूल सूंघते हो, ये 5 वाक्य हैं, 5 वाक्यों को आपको संस्कृत में बदलना है, परिवर्तन करना, अनुवाद करना है, ठीक है, 5 हैं, 5 नंबर का यह, तो प्रत्येक इसमें से जो एक एक नंबर का है, जितने आपके इसमें गलत हो जाएंगे तो 5 में से उतने नंबर कम कर लेना, ठीक है, ये एक एक नंबर का दिया है, 5 नंबर का पूरा है, उसमें से 5 दिए हैं। चलिए 20, निम्न वाक्यों की हिंदी लिखिए, अब संस्कृत मैंने दी हुई है उसको हिंदी बदलना है, ये भी 5 है। सः अद्य विद्यालयं न गच्छति, खा वयम संस्कृतम अत्र पठामः, गा भवती कुत्र पठति, घा ईश्वरः एकः एव अस्ति, न त्वं साहा चा कुत्रा गच्छथा,
इन पांच वाक्यों की आपको हिंदी लिखनी है, ये भी पांच एक एक नंबर के हैं, जितने सही हों उतने ही पांच में से अंक आप अपने जोड़ लीजिए। ये प्रश्न पत्र हो गया मित्रों। अगली कक्षा में आपको उत्तर पत्रिका भेज दी जाएगी, उत्तर पत्रिका के बाद आप मिलान करके फिर हमें आप सभी पाठक अपने अंक व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सूचित करें। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं, आप हमें इस पर ही भेजिएगा, इस पर भी भेज सकते हैं परंतु इसको हम आपको पहले रिप्लाई करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न पत्र हो गया मित्रों, अगली कक्षा में आपको हम उत्तर पत्रिका देंगे, मिलान कीजिएगा, धैर्यपूर्वक पढ़िएगा। इस कोर्स के माध्यम से 100 वर्ष से अधिक लोग संस्कृत भाषा को घर पर बैठे बैठे सीखते रहेंगे निःशुल्क। सर्वेभ्यो नमः।